कवि राजकुमार वर्मा ने ग्रामीण जीवन और किसान पर एक खूबसूरत पंक्ति लिखी थी। हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार। उनकी इन पंक्तियों को यूपी के प्रतापगढ़ जिले में मानो साकार कर दिया गया हो, जहां पट्टी इलाके में अन्नदाता किसान के मंदिर का निर्माण किया गया है। यहां भगवान सिर्फ और सिर्फ किसान है। कवि राजकुमार की कविता से प्रेरित होकर दुनिया के पहले किसान मंदिर का निर्माण यहीं के रहने वाले योगी राज सरकार ने किया है। सरकार जी, आप ये बताइए कि आपने इस किसान देवता मंदिर की स्थापना किस वर्ष में की है? विश्व के पहले किसान देवता मंदिर की स्थापना सन 2011 में पट्टी तहसील के उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जनपद के सराय महेश गांव में किया गया है। और आप ये बताइए कि आपको इस विश्व के पहले किसान देवता मंदिर बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली और इस मंदिर को बनाने का आपका उद्देश्य, आपका मकसद क्या था? जब मैं बचपन में पढ़ रहा था, कक्षा 8 का छात्र था, उस समय ही मेरे मन में एक विचार आया था। रामकुमार वर्मा जी की एक कविता थी, हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तूने मिट्टी से किया प्यार, हे ग्राम देवता नमस्कार। इस कविता को जब मैंने पढ़ा, उसी समय मेरे मन में ख्याल आया, विचार आया कि किसान कितना मेहनत कस होता है, कितना परिश्रम करता है, लेकिन इतना परिश्रम करने के बावजूद भी किसान की कोई वैल्यू आज के समय में, आज के परिवेश में नहीं है। जब मैं इस लायक होऊंगा, इस योग्य होऊंगा, तो मैं किसान देवता के मंदिर का स्थापना करूंगा। इसी बात को ध्यान रखते हुए किसानों को मान सम्मान दिलाने के लिए मैंने किसान देवता मंदिर की स्थापना किया है, जिसका उद्देश्य किसानों का मनोबल बढ़ाना है। इस अनोखे मंदिर का निर्माण साल 2011 में किया गया था। यहाँ सुबह शाम लोगों का तांता लगा रहता है। लोग किसान चालीसा और आरती गाकर किसान देवता की पूजा करते हैं, जिसे योगी राज ने खुद ही लिखा है। किसान मंदिर के निर्माण के बारे में बताते हुए योगी राज कहते हैं कि वो किसानों की बदहाली से इतने भावुक थे कि उनके काम को दुनिया के सामने लाने के लिए अनोखा अभियान छेड़ दिया, जिससे वो किसानों का आत्मसम्मान बढ़ा सके और उनके महत्व को लोगों को बता सके। इस मंदिर में किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए, किसानों को मजबूत बनाने के लिए, किसानों की आय कैसे बढ़े, किसानों को उन्नत किस्म की फसल पैदा करने के लिए टिप्स दिए जाते हैं। किसान वैज्ञानिक हैं, उनसे उनको किसानी के बारे में बताया जाता है कि आप कौन सी फसल पैदा करें, आपको ज़्यादा पैदावार मिले और ज़्यादा उपज हो और ज़्यादा आमदनी हो सके। यह सब प्रयास किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। सरकारें प्रयास तो कर रही हैं, लेकिन जिस स्पीड में, जिस गति में प्रयास करना चाहिए, उस तरह से सरकारें काम नहीं कर रही हैं। इसलिए हम जैसे लोगों को, किसानों को मजबूत करने के लिए अपने गांव में ही इस तरह की योजनाएं चलानी पड़ रही। हर मंदिर की तरह किसान मंदिर के बाहर भी भंडारा लगता है, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल होते हैं। किसान मंदिर में धर्म, जाति, संप्रदाय की कोई सीमा नहीं और न ही कोई बाधा है। मुस्लिम समुदाय के लोग भी इस मंदिर में शीश नवाते हैं। यह अनोखा मंदिर प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर सराय महेश गांव में है। लोगों के इलाज के लिए किसान देवता के नाम से अस्पताल भी चलाया जाता है, जहां मुफ्त में इलाज होता है।